जय माता दी बंधु, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। 2019 के लोकसभा परिणाम जब सामने आए थे तो तमाम बातों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी। बात साफ है, यानी भाग्य मोदी का पूरा साथ दे रहा था। अब क्योंकि बात मोदी के भाग्य पर आई है तो हमारे लिए पीएम मोदी की कुंडली को देखना और उसका अवलोकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बंधु, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में नरेंद्र मोदी के जो ग्रह नक्षत्र की दशा है उसने इस बात का एहसास करा दिया है कि बहुत लंबे समय तक वो अपराजय हैं और उन्हें हराना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर होगा। तो बंधु, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। पीएम नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का चिन्ह बिच्छू है। बिच्छू को बहुत संवेदनशील माना जाता है। बिच्छू के बारे में मशहूर है कि ये किसी के आने की आहट पर छुप जाते हैं, यानी ये बात खुद ब खुद इस बात को साबित करती नजर आ रही है कि जहां एक तरफ वृश्चिक राशि वाले लोग पूरी गोपनीयता के साथ काम करते हैं तो वहीं वो अपनी बातों को सबसे साझा करने में भी बचा करते हैं। अब जब आज हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो संदर्भ में देखें तो चाहे वो नोटबंदी रही हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक एक और दो, किसी को कानों कान खबर इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मोदी ऐसा कुछ करने वाले हैं। जब उन्होंने ये सभी चीज़ें की तो लोगों ने हैरत के चलते दांतों तले उंगली दबा ली और ये कहा कि देश की लीडरशिप मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरप्राइजिंग फैक्टर कितना प्रबल है, इससे हम उस बात से भी समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की, बात सूबे के मुख्यमंत्री की आई तो तमाम नाम प्रस्तावित हुए और बाद में योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया की कुर्सी पर बैठे। नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने लोगों को खूब आश्चर्य में डाला। इसी तरह 2019 के आम चुनाव में लोगों को इसी आश्चर्य की अनुभूति तब हुई जब कई महत्वपूर्ण लोगों को हटाकर भाजपा के साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से अपना प्रत्याशी चुना। बिच्छू के बारे में कहा जाता है कि बिच्छू जब चलता है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ चला करता है, साथ ही ये अपनी चाल और बनावट से लोगों को प्रभावित करता है। ये बात भी पीएम नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। पीएम मोदी के आलोचक भी इस बात पर सहमत रहते हैं कि उनका ऑरा और लोगों को प्रभावित करने का ढंग कमाल का है। वृश्चिक राशि वाले लोग गंभीर और निडर हुआ करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का रवैया है, कहा जाता है कि वो अहम फैसले लेते वक्त बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। यदि आज मसूद अजहर UNSC की वृश्चिक आतंकियों की लिस्ट में है तो उसका एक बड़ा कारण मोदी को माना जाता है। जो चीन कभी मसूद अजहर के समर्थन में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कारण मसूद के विरोध में आया और आज नतीजा हमारे सामने है। वृश्चिक राशि वालों के कार्य व्यवहार में आत्मविश्वास झलकता है। वृश्चिक राशि वाले लोग हर काम डंके की चोट पर करना चाहते हैं। ऐसे लोग बिना आडंबर और दिखावे में बड़े से बड़ा काम करने में सफल होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करने से घबराते नहीं हैं। इस बात के लिए हम कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण भी ले सकते हैं। पीएम मोदी ने इनके साथ क्या किया वो हमारे सामने है। वृश्चिक राशि के लोगों के अंदर बदला लेने की भावना प्रबल हुआ करती है। ये अपने दुश्मन को आसानी से कभी नहीं छोड़ते हैं। आपने ये देखा होगा, बिच्छू जिसको काटता है उस पर बिच्छू के डंक का असर काफ़ी समय तक रहता है।
नरेंद्र मोदी के संदर्भ में हम इसे राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के अभियान से समझ सकते हैं। अपनी अलग अलग रैलियों में राहुल ने खुद को चौकीदार कहने वाले नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। नरेंद्र मोदी ने उस बात को लेकर जिस तरह से राहुल से बदला लिया है, खुद इस बात को साफ कर देता है कि शायद उस चीज को लेकर आज भी राहुल को सपने आते और डराते हों। वृश्चिक राशि वालों से उनके दुश्मन सामना करने में घबराते हैं। इनका आत्मविश्वास दुश्मन को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वृश्चिक राशि के लोग अपने आत्मविश्वास के दम पर असंभव को संभव कर दिखाते हैं और जीवन में अपना लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाते हैं। कोई भी कठिन से कठिन कार्य यदि अपने हाथ में लेते हैं तो पूरे समय पर पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं और अपनी असाधारण इच्छा शक्ति के दम पर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी ऐसे ही असाधारण गुण हैं। नरेंद्र मोदी कठोर परिश्रम करके अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होते हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो या फिर GST, देश की आंतरिक सुरक्षा, सभी चीजों पर जिसे कुशलता से नरेंद्र मोदी ने काम किया है वो हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी की कुंडली का गहन विश्लेषण किया जाए तो मोदी जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। फिलहाल कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा मोदी की कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है और लग्न में लग्नेश मंगल के साथ बैठा हुआ है, यानी भाग्येश और लग्नेश साथ साथ बैठे हुए हैं। बंधुओं, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे PM नरेंद्र मोदी की कुंडली में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।